स्मृति पुराण आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरागेति मूर्तिभेदाभिमानिने व्योममद्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 विश्वात्मा विधेय विषयान् राश्य भोगान् सविषान् पश्चाचान्यान् स्वति विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पापसोनः सुरीयः। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के तृतीय प्रकरण अद्वैत उसके ऊपर विचार करते हुए लगभग समाप्त हुए। ये अद्वैत पारमार्थिक सत्य है, इसको युक्ति के द्वारा सुखी बातों के द्वारा समझ समझा जा सकता है। इसको दिखाने के बाद हम ये द्वैत प्रकरण जो दिखता है इसका कारण ये है कि मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सञ्जातम्। जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं उसका माइंड का एक प्रोजेक्शन है। जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है मन से ही अमनी भावे द्वैतम नैव उपलब्ध। यदि मन को आप यहाँ से उठा सकता है तो ये भेद प्रपंच नहीं दिखाई देता। इसके लिए दृष्टांत तो कहाँ ले जाता है, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में जहाँ गहरी नींद की स्थिति में जब मन मतलब बुद्धि शरीर के साथ तादात्म्य को छोड़ देते हैं तब द्वैत प्रपंच नहीं दिखाई देता। तो हम यहाँ पे आप सुषुप्ति अवस्था में जब रोज जाते हैं तो ज्ञान क्यों नहीं होता, तब इसको जागृत में बैठ के आप इस अवस्था में आना है। तो हम जागृत में बैठे हैं कि कैसे इस अवस्था में आ सकते हैं, तो आत्म सत्य अनुबोध ही न संकल्प जाते ज्यादा और मनस्कम करना जाती ग्राह्य अभावित अगर ग्रह। एक क्लू पॉइंट यहाँ पे दिया है, क्या है कि संसार में एकमात्र भगवान अथवा आत्मा अथवा ब्रह्म हो ही सकते हैं। आत्म न संकल्प बाहरी जो जैसे जागृत काल में हम लोग जो भी कुछ देखते हैं उसी का संकल्प का वासना को लेकर हम सात्विक वस्तु को देखते हैं। स्वप्नों सात्विक वस्तु सब कुछ मिथ्या है, परंतु स्वप्न दृष्टा मिथ्या है। मैंने स्वप्न देखा था ये बोलते वो मिथ्या नहीं है, परंतु जो भी कुछ देखा था हम सब निश्चय करते हैं। इसी प्रकार से जब आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, इसके प्रति हमारा जागरण हो जाएगा, मैं इसको समझ जाएंगे तब कर जाएगा। इसी आत्मा के ऊपर इस प्रकार स्वप्न दृष्टा के एक अकेला स्वप्न दृष्टा है, कुछ नहीं है वहाँ पे मकान दुकान बोधि रिश्तेदार पिता माता धर्ता सका सब बना करके सब सुख दुख भोगते रहते हैं। जगने के बाद बस कुछ भी नहीं है आपने, ठीक इसी प्रकार आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है। नहीं इस प्रकार निश्चय होने पर क्या होता है कि जो भी बाहरी प्रपंच दिखाई पड़ता है ये हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, जैसे स्वाप्निक वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, ऐसा निश्चय हो जाने के कारण मन भी बाहरी वस्तु संबंधित संकल्प नहीं करता। ग्राह्य भावे तद अग्रह मतलब मन जो है इससे मेरा ये लाभ होगा, ये हमसे भिन्न व्यक्ति है, इसके पास ये है, ये मिल जाता तो मुझे अच्छा होता वाता मेरा अनुभव। ये बुद्धि ही हमारे उस प्रकार की वस्तु विषय को चिंतन करने मजबूर करती है।
जब मन निश्चय हो जाता है क्या है कि हमसे कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं संसार में, क्या होता है कि बाहरी विषय से मन अमन हो जाता है, मन से ही अमनी भावे दैतम नहीं उपलब्ध होते। तो उसके लिए उपाय क्या होता है, आत्मसत्वोधि ना संकल्प तो मन की स्थिति को प्राप्त करता है। तब बोले तो अकल्पकम अजम ज्ञानम या भिन्नम प्रत्यक्षति ब्रह्म कियम अजम वृत्तम अधीन अजम विरुद्ध है। मन जो क्या होता है एक जन्म रहित व्यापक तत्व अधिष्ठान के साथ एक हो करके रहते हैं। अरे ये जो स्थिति थी तो हम सुषुप्ति काल में रोज जानते हैं, उसके लिए अलग करके क्या विचार करते हैं, बोलते नहीं सुषुप्ति की मन और जागृत में बैठ के सुषुप्ति में जाने इन दोनों मन में भिन्नता है, है ना। प्रलब्ध के कारण जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो हमारा अज्ञान नाश नहीं होता, इसलिए उठ करके फिर हम शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ तादात्म्यता कर लेते हैं। परंतु जब जागृत में बैठ करके धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्या सुषुप्ति में जाना है तो क्या करना होगा, जब स्थूल शरीर से पहले तादात्म्यता छोड़ना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यता छोड़ करके तब धीरे धीरे बसके पर अपना स्वरूप जो वितर्क विचार आनंद स्मिता जो संप्रज्ञात समाधि के लिए बोले थे, तो यहाँ पे धीरे धीरे स्थूल वस्तु से मन को हटा करके सूक्ष्मता को ले जाते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यदि जागृत में बैठ कर ऐसा कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने स्वरूप संबंधित जो अज्ञान है वो नाश हो जाएगा। तो कहता है वहाँ से मतलब उस जागृत सुषुप्त से अद्भुत्थान नहीं होता, मतलब व्यवहार कार्य भी हमारा जिस प्रकार योग दर्शन के समाधि में जब हम समाधि में लगा जाते हैं चाहे संप्रज्ञात समाधि हो चाहे असंप्रज्ञात समाधि हो वहाँ पे बुद्धा होता है। परंतु जागृत में बैठ करके विचार करते करते यदि हम आत्मा में सत्य की आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, भगवान ही एकमात्र सत्य वस्तु है, हम संसार में सारा वस्तु व्यवहारिक है पारमार्थिकता नहीं है, इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा यदि निश्चय हो जाता है तो मन के फिर बाहरी वस्तु संबंधित संकल्प नहीं करते, और बाहरी वस्तु संबंधित संकल्प नहीं करना ही मन की अमन है, मन की अमन है। इसीलिए सुषुप्ति की प्रचार और जो है जागृत अवस्था में बैठ कर निहित मन का प्रचार दोनों भिन्न हो जाए। सुषुप्ति के मन क्या करता है वहाँ पर बीज रह जाता है, किसका बीज, वासनाओं के बीज, अज्ञान के बीज रह जाता है, और जागृत में बैठ के जब सुषुप्ति में जाएंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो बीज जल जाता है, बीज जल जाता है। फर्क क्या होता है देखो, ये बीज रहने के कारण क्या होता है, ये तीन अवस्था बताया था, एक मन की लय अवस्था, एक मन की विक्षेप अवस्था, एक सकसाय अवस्था। जब तक बीज नाश नहीं होता तब तक उस सकसाय अवस्था रहते हैं, लय मतलब सोया जाए और विक्षेप मतलब विषय बाहरी विषय संबंधी चिंतन करना, और एक तरह सोया भी नहीं बाहरी विषय संबंधी चिंता भी नहीं है पर बीज विषय ऐसा है अथवा उसको तक संबंधित जो वो मतलब एक क्या बोलेगा ये वस्तु अच्छा है वो आगे नहीं हो पा रहा है, मन जो है अपना भगवान की चिंता भी नहीं करता और जो है विषय चिंतन भी नहीं करता, एक बीच बीच की स्थिति है, उस स्थिति को भी ठीक से समझ लेते। वो स्थिति क्यों होती है कि बीज नाश नहीं होने लगता, वो बीज है, वो जैसे धीरे धीरे हम जागृत को शुद्धि बना के जाएंगे तब कह जाएगा वो बीज तक भी नाश हो जाएगा, वो बीज तक नाश हो जाएगा। इसलिए इन दोनों प्रचार को अच्छे मन दोनों मतलब एक सामान्य सुषुप्ति में गए हुए मन और अनेक जन्म के अभ्यास के फलस्वरूप जागृत अवस्था में बैठ करके सुषुप्ति में चले जाने वाला मन की जो विस्तार है वो भिन्न भिन्न है, उसको ठीक से समझना चाहिए। इस प्रकार मन की तीन अवस्था में वहाँ पे ना परिणाम ग्रह न तत्व उत्सर्ग, न किसी को छोड़ना है ना किसी को ग्रहण करना है, चिंता जब्त न विद्यत, इस विषय में किसी विषय संबंधी चिंता नहीं होता, और मन आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम अजामिन क्षमता, उस समय आत्मा का मन आत्मा में संलग्न रूप से स्थित हो जाता है और क्या समझते हैं मैं जन्म रहित ज्ञान तत्व हूँ, मैं जन्म रहित वाला जीव नहीं हूँ। इस प्रकार बोलने के बाद जो है ये मन के निग्रह के ऊपर ही निर्भर करता है, मन निग्रह आयत्तम अभयम से, इस योग का क्या नाम दिया था, अस्पर्श योग, अस्पर्श योग वही नाम दुर्दर्श सर्व योगी, है ना। भगवत गीता 18 अध्याय में अलग अलग योग के नाम सुनाए देते हैं, मतलब स्पर्श योग क्या ये सुनाए देते, मतलब क्या है विचार पूर्वक योग क्या होता है, मतलब युक्त होने के लिए साधना को हम योग बोलते हैं और जो इस साधना में लगे हुए हैं उसको योगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने स्वरूप के साथ एक होकर के रहने के लिए जो साधन है वो है योग,
वो क्या है, मैं सर्वथा असंग हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं पूर्ण हूँ, इस प्रकार की बार बार की चिंतन, यही हो गया स्पर्श योग, है ना। अपना स्पर्श का सभी के साथ रहते हुए भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, है ना। पूर्ण व्यापक होते हुए हिरण्य गर्भ से लेकर के चींटी तक चतुर्थ भुवन में जितना जीव है, समस्त जीवों का सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला एक शुद्ध मैं आत्म तत्व होने पर भी किसी जीव के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, इसका स्पर्श हो। परंतु जो भी लोग इसमें डरते हैं, क्यों डरते हैं, वो सोचते हैं हमारे व्यक्तित्व हो गया, हमारी बौद्धिक योग्यता के कारण जो हमने अपने ऊपर व्यक्तित्व की आरोप कर रखा, यदि हमारी जो विशेषता को हम छोड़ देते हैं तो हमारे व्यक्तित्व खो जाएगा, ये डर रहता है। इसीलिए यहाँ पे स्पर्श योग में स्पर्श नहीं कर पाता। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये अच्छा लगता है। अथवा और भी कोई बौद्धिक योग होता है तो उसको लेकर नकारात्मक करके बोलना अच्छा लगता है। परंतु जब तक ये भाव रहेगा तब तक मैं असंग हूँ, पूर्ण हूँ, व्यापक हूँ, ये बतना स्थिर हो जाएगा। और उस अभी तक हमने उसका अभ्यास नहीं किया कि मैं असंग पूर्ण, मैं हमेशा उपाधि के साथ ही देखने का अभ्यास है हम लोग, प्रतिगत वहाँ पर हम डर जाते हैं, वहाँ पर डर जाते हैं। इसलिए होगा योगी नीति अस्मत अभ्य। कल भी मैं बताया था कि वेदांतों की फल क्या है, बस फल नहीं फल है, क्योंकि जो अभी अफल रूप में हमारे सामने लग रहा है कि मैं बंधन हूँ, वास्तव में मैं बंधन का जब उसको छुआ ही नहीं, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं नित्य मुक्त होगा। तो बौद्ध बुद्धि ने क्या किया, शरीर के साथ आत्मा का एक तदात्मता कर दिया, और यही हमारे लिए बंधन होता है। जैसे ही बुद्धि इसको छोड़ देती है तो अपने पूर्ण होता है, इसलिए ना बंधन है आत्मा में, ना मुक्ति है, ये पारमार्थिक स्थिति है, उद्देश्य परमार्थक। परंतु ये बुद्धि क्या करते हैं, शरीर बीच में नहीं करते, शरीर और आत्मा, आत्मा एक तरफ शुद्ध चेतन, एक तरफ पंचभौतिक शरीर, बीच में सूक्ष्म शरीर, बुद्धि वृत्ति दोनों में तदात्मता जो होती है। मन जिस समय अमन हो जाता है, मतलब जिस समय मन इस प्रकार फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है, अपने अशुद्ध स्थिति को मन फल करते हैं। यहाँ पे तीन स्थिति मन को दिखाया था कि लय, आप क्या बोलेंगे, मन को ऐसे कैसे कैसे लाई समझते हैं, इसके लिए भी बड़ा सुंदर युक्ति दिया, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोग निवर्तते, अजम सर्वम अनुस्मृत्य जात नहीं होते, है ना। बार बार मान लीजिए आपके सामने दिखाई दे रहा है भोग को वस्तु, ये मिलता तो अच्छा होता, तुरंत तो एक बार सोच लीजिए, अरे इतना तो भोग को वस्तु हमने इकट्ठा कर लिया, इससे कौन सा अच्छा हो गया, मिला हमें बाद में तो दुखी होना पड़ा। दुखम सर्वम अनुस्मृत, है ना, दुखम एवं सर्वम विवेकी, है ना। योग दर्शन में ही बोलते हैं कि विवेकी व्यक्ति के लिए तो सारा सांसारिक वस्तु दुख ही होता है, कितना भी हम जीव वस्तु इकट्ठा कर ले जीवन में, परंतु यदि उसमें से कोई भी एक वस्तु आप जिस आनंद अथवा सुख को मैं ढूंढ रहा हूँ उसको तो उससे मिल गया होता, तो क्या हम दूसरा वस्तु के लिए कोशिश करते है कि नहीं। क्या बोल रहा मैं कि जिस आनंद को मनुष्य प्राप्त निर्विशरित आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के कोई भी एक वस्तु में यदि ये सामर्थ्य होता, जितना भी वस्तु में इकट्ठा के नित्य निर्देश आनंद दे, तो हम दूसरे वस्तु के लिए प्रयास ही नहीं करते, हम तो अंतिम समय तक और वृद्धि नहीं छोड़ते, है ना। इसीलिए एकमात्र ईश्वर के बिना संसार में कोई नित्य और निर्देश वस्तु है ही नहीं, इसलिए वही आत्मा आवश्यक है, हमारे स्वरूप भूतों का के वित्तम है। इसको बार बार दुखम सर्वम अनुस्मृत काम भोगान निवर्तते, भोग सुमन पाटना चाहिए। और शास्त्रों से ये पता लगता है कि संसार के मूल कारण जो है एक निरवय पूर्ण वस्तु है, उसमें तो परिणाम होना संभव ही नहीं है, बीच में एक माया की वर्ता ऐसे आ गया कि हमें अब अभिन्न वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में दिखा देते हैं। अजम सर्वम अनुस्मृत, जन्म होना संभव ही नहीं है, सृष्टि होना संभव ही नहीं है, क्योंकि निरवय वस्तु अवय कैसे हो सकता है, जन्म रहित वस्तु जन्म वाला कैसे हो सकता है। इसको बार बार शास्त्र के अनुकूल तर्क की तरह विचार करके सामने प्रतियमान वस्तु दिखाई देने पर भी ये विवेक दृष्टि से देखेंगे तो वो नहीं आएगा आपके सामने। वृक्ष को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, अथवा मरुभूमि में दिखाई दे रहा है पानी, हम भ्रांति से प्यास के कारण अथवा लालच के कारण आप उस वस्तु की ओर भागते हैं, विवेक दृष्टि से देखेंगे तो हमें वहाँ पर पानी नहीं दिखाएंगे, ना उसके पीछे हम भागेंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं दो चीज, ज्ञानाभ्यास और वैराग्य। ज्ञानाभ्यास मतलब कि विवेक पूर्वक देखने के अभ्यास करो,
वस्तु को विवेक पूर्वक देखने की अभ्यास करो। यही उपाय है मन को अमन करने के लिए, विकल्प पैदा करता है। परंतु मन को अमन करते जाएंगे तो क्या हम जगह मन फिर सोने की अभ्यास करते हैं। आज तक हमने ध्यान करने का अथवा विचार करने का अभ्यास नहीं किया, काम किया अथवा सोया, काम किया थक गया सोया, तो मन इसी में हैबिचुएटेड है, अभ्यस्त हो गया। जगेगा तो विषय को भागेगा और भक्ति बुद्धि बंद करके सोने का कोशिश करेगा। आप इस समय क्या करना चाहते हैं कि न विषय की ओर जाना चाहते हैं न सोना चाहते हैं, अपने स्वरूप पर मन को स्थिर करना चाहते हैं। तो ये जो दोनों अभ्यास जन्मांतरी है, ये दोनों अभ्यास करेगा इसका विरोधी है, तो इस अभ्यास को निराकरण करने के लिए जैसे मन सोना चाहते हैं उसको जगाने का कोशिश करें, मन विक्षिप्त होकर इधर उधर जाना चाहते हैं उसको फिर घुमा के यहाँ मिलाए। परंतु इतना होने पर उस काम नहीं बना। तीन स्थिति में लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः सकसाय विजानियात। ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, समम प्राप्त न चाहिए। अरे इसको पढ़ लीजिए ना, सकसाय स्थिति और कठिन है। सकसाय स्थिति क्या है कि मन भाग भी नहीं रहा है, सो भी नहीं रहा है, परंतु अपनी अभिष्ट वस्तु का चिंतन भी नहीं करता। जैसे मैं दृष्टांत देते हैं, एक नटखट बालक होते हैं, वो खेलना चाहते हैं और मम्मी बोलते हैं पढ़ो, पर खेलने जाने नहीं दिया तो बोलते मैं पढ़ूंगा नहीं, और फिर बैठा रहता है। तो ऐसी स्थिति भी मन की होती है। इस अवस्था को भी हमको समझना है, इस अवस्था को समझने के बाद चलो उस समय क्या करना, मन को समझा हो जाके फिर नहीं नहीं देखो शास्त्र ने ऐसा बताओ असंग पूर्ण करता हूँ मैं। हाँ, इस जब तुम इस प्रकार तत्व के साथ चिंतन करोगे तब क्या हो जाएगा, मनुष अधिष्ठान से रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, जिस समय हमें अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होते हैं तब क्या होता है, सर्व अपने आप अधिष्ठान में लय प्राप्त कर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मस्वरूप भूत व्यापक में ये सर्प के स्थान, ये स्थूल शरीर और उसी के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर के विचार के माध्यम से तत्व करके जोड़ दिया, जैसे ही धीरे धीरे विचार करते करते स्थूल मन अथवा बुद्ध स्थूल शरीर के साथ जड़ और चेतन की गांठ को तोड़ देंगे, जड़ और चेतन नहीं मिल सकता, तब कहते हैं मन अमन भाव को प्राप्त होगा, है ना। तो इस सकाशय स्थिति को जानना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छा इसमें भी कभी कभी क्या होता है, आप समभाव को प्राप्त किया, टिप्पणी का बहुत अच्छे शब्द होगा, मन समभाव को प्राप्त किया पर कभी क्रांति को डेवलपता मिल जाएगा चले गए। इसलिए बहुत सावधानी के साथ मैं कल बताया था, इस अवस्था में एकमात्र ईश्वर ही, ये बोले ना ये भगवान क्या बोलते, तेषाम एव अनुपम पार्थम अहम अज्ञान जनतम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान वेद भाष्य अथवा परिषद में जैसे बोल यम एव ईश्वर वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुषाम। जिस साधक जब साधक ईश्वर को अपने इष्ट को वरण करते हैं और इष्ट भी साधक को वरण करते हैं, दोनों जब ए विष्णु इस वरण के रिजल्ट ऑफ दैट कमिटमेंट उसके प्रति अब क्या होता है कि तस्य ईश्वर आत्मा भी प्रणुते तनुषाम, उसके सामने अपना आत्मा अपने स्वरूप को धीरे 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 अभिव्यक्त करता है। इसी को भगवान कहते हैं मैं ज्ञान की प्रकाश के द्वारा उसका अज्ञान को नाश करता हूँ। कल यहाँ तक अब क्या है कि जो हम टीका पढ़ रहे हैं जिसको ना 44 के ऊपर टीका पढ़ रहे थे, देखिए दो चीज बताया था ज्ञान अभ्यास भाषा एवं अनेन 192 पेज में एवं अनेन ज्ञान अभ्यास वैराग्य उपाय लय शिशु तेरीनम संबोधे मन, ठीक है ना। यहाँ पे ज्ञान अभ्यास क्या हो गया, श्रवणादि आवृत्ति, ठीक है ना, बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से इसी को बार बार आवृत्ति कर, और विषयेषु क्षयिष्णुत्वादि दोष दर्शनेन, कोई भी विषय की प्राप्ति से पहले दुख, प्राप्ति करने के प्रयास में दुख, प्राप्त होने के बाद दुख, भोग करने में दुख, अक्षय हो जाए, पांच स्थिति में विषय दुखदायी है। जब मेरे पास नहीं है तभी मैं दुखी, नहीं मेरे को प्राप्त करना होगा तो कठिन परिश्रम तभी मैं दुखी, प्राप्त हो गया होते ही चिंता कहीं खोना नहीं, भोग करते कहीं घटना नहीं, और किसी व सबसे बड़ी घर खराब चीज है कि उस भोग के संस्कार अंदर जाते उसी प्रकार भोग दुबला प्रवृत्ति कराते हैं ये, और फिर नाश हो जाते हैं तो दुख ही दुख है। इसीलिए विषय श्रवणादि आवृत्ति विषयेषु क्षयिष्णुत्वादि विषय नाशवान है, चाहे मुझे विषय को छोड़ना पड़े अथवा विषय मुझे छोड़ के जाए तो अनिवार्य है दोनों विषय, या तो मैं पहले चला जाऊँ किसी ने जिस निकटता किया तो आप उनके साथ कुछ होते चला जाएगा, तो अनिवार्य दोनों में से एक। इसीलिए बोलते हैं कि विषय शिक्षा दोष दर्शन है ना,
वैतृष्णम वैराग्यम हो गया वहाँ पे ज्ञान अभ्यास और वैराग्य ये जो है अलग उपाय साधन वेदांत साधन ही है लय लय हो गया निद्रा शब्द द्वारा कहा गया। इसके पहले निद्रा शब्द की परिभाषा क्या दी थी वेदांत में निद्रा किसको बोलते हैं अन्यथा विन्हते स्वप्न निद्रा तत्तम अजानत विपर्याशेतयोर्शीने तुम्हीं पदम सुजम्रते पहले पहले में आया भर 13 या 14 देखो पहला प्रकरण में 13 या 14 नंबर होगा सॉरी अन्यथा विन्हते स्वप्न निद्रा तत्तम अजानत विपर्याशेतयोर्शीने पहला प्रकरण में फर्स्ट प्रकरण में 14 या 15 नंबर का आएगा। निद्रा मतलब क्या होता है निद्रा तत्व अजानत पहला प्रकरण में 15 हाँ अन्यथा गृहते स्वप्न निद्रा तत्त्वम अजानतः ये निद्रा शब्द की परिभाषा को वेदांत में ध्यान रखना नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट कि हो गया निद्रा अग्रहण को निद्रा कहा गया है और अग्रहण के फल क्या होते हैं अन्यथा ग्रहण होता है वहाँ पे क्या वस्तु पड़ा हुआ है वो मुझे पता नहीं है ये हो गया अग्रहण और उसके फलस्वरूप क्या हो गया अन्यथा ग्रहण हम रज्जु को सर्व को समझ लिया इसी प्रकार मैं असंग पूर्ण व्यापक तत्व हूँ इसका ग्रहण नहीं हो रहा है फलस्वरूप क्या हो गया मैं मनुष्य हूँ ये पहला ग्रहण अन्यथा ग्रहण हो गया मैं मनुष्य हूँ और इसी के ऊपर सारा फिर मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं विद्वान हूँ मैं बुद्धि हूँ मनुष्य सारे कितना मंजिल उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अग्रहण और अन्यथा ग्रहण निद्रा और स्वप्न इसके परिभाषा को समझ नहीं पाएंगे निद्रा मात्र क्या है हम तो जगे हुए हैं हम जगे हुए पर भी क्योंकि हमें तब तक ग्रहण नहीं है इसलिए हम माया निद्रा में शुरू से आगे लिखा है उसी का आगे अनादि माया सुप्तम तक जरा जीव प्रबुद्धते अजब अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते अजब जब अनादि माया निद्रा से हम जाग जाएंगे मतलब ये अग्रहण चला जाएगा तो अग्रहण चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अन्यथा ग्रहण भी नहीं रहेगा अन्यथा ग्रहण भी नहीं रहेगा। जो अन्यथा ग्रहण हुआ मैं मनुष्य ये मन यही है कि मन अमनी भाव होने पर स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जब हम धीरे 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 मन को अपने वश में लाने का अभ्यास करते हैं तो समाधि के अभ्यास करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं देखिए ज्ञानाभ्यास श्रवणाभ्य आवृत्ति विषय शुष्णत्वादि दोष दर्शन है ना वैतृष्ण वैराग्य ये लय निद्रा है ना कि जो मन पर निद्रा को यज्ञ हो गया वही लय को यहाँ पे निद्रा शब्द के द्वारा कहा गया मतलब तत्व की अग्रहण नित्य को तत्व संप्रबोधनम एव अभिनयति वहाँ बोला ना सुषुप्ति लीनम संबोधये उसको संभव रूप से जगाए कैसे जगाए आत्मविवेक दर्शन जो लेत है ना ये आत्मा में असंग में पूर्ण में व्यापक हूँ कोई भी प्राप्त वस्तु मेरे लिए है नहीं अथवा जो विषय है वो आत्मा के प्रयोजन के लिए नहीं है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के लिए विषय का आवश्यकता है। इस प्रकार से बार बार विवेक दर्शन ये कई बार भगवान भाष्यकार बोला मतलब विवेक पूर्वक वस्तु को देखने का अभ्यास करें विवेक पूर्वक वस्तु को देखने का अभ्यास करें यदि कहीं पर बत्ती की कमी भी है अथवा उज्जवल प्रकाश भी है जिसके कारण भ्रांति होती है थोड़ी देर पर खड़ा होकर के ठीक से देखेंगे तो हमको दशा को दर्शन होगा ठीक है ना। इसी प्रकार से जन्मांतरीय संस्कार से वाचनों के कारण विषय के प्रति मन जाने पर भी यदि हम ठीक से एक जगह पर खड़े होकर के भगवत शरणागत होकर के उसको ठीक से देखेंगे कि विषय वास्तव में मैंने सुसूट नहीं किया क्योंकि दिया तो अपने यहाँ वहाँ से नहीं रखा है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि संक्रोध है संबोधन है। अब यहाँ पर प्रश्न तो आपको मन को लेकर के विचार कर रहे थे लय संबोध है चित्तम यहाँ पे क्या लय संबोध है चित्तम और आपने यहाँ पे क्या बोला था मन से ही अमन भी भावे द्वैतम नहीं बोला था प्रश्न में चल रहा था मन का चित्त को कहाँ से लाया होगा लगे तब बोलते हैं यहाँ पे मन और चित्त में भिन्नता अभिन्नता को लेकर के बोला जाए मनुष्य प्रकृति की चित्तम उच्चते हाँ विचार तो मन को लेकर के चल रहा था चित्त को क्यों बोला जा रहा है
उसको उत्तर में हम चुका क्या बोलता है, चित्त मन यदि अनर्थांतरम, चित्त ही नहीं हम मन शब्द के विषय भिन्न विषय नहीं है। फिर विक्षिप्तम च काम भोगे समय भोग, काम शब्द का तत्व क्या हो गया, भोग को वस्तु की प्राप्ति की इच्छा को विचार मन में चलते हैं काम, और भोग मतलब क्या हो गया, वस्तु प्राप्त होने पर मन में जो वृत्ति हो गया भोगात्मक वृत्ति, और वस्तु नहीं है उसको प्राप्ति की अच्छे जो इच्छा हो गया उसको होता है कामात्मक वृत्ति। यहाँ पे बोलते हैं विक्षिप्तम च काम भोगे शु समय, जब काम और भोग मन विक्षिप्त होता है फिर इसको संयमित कर लेना चाहिए। वहाँ पे देखो विक्षिप्तम के ऊपर टीका का लिखते हैं, विक्षिप्तम मतलब विप्रसुतम, सी धातु है, सी धातु मुख फैल जाए फैल जाए, और वहाँ पे निष्ठ रूप सुतम निष्ठ रूप हो गया फैल गया है, और विशेष रूप से चारों तरफ जो फैल जाए विप्र विशेष रूप से प्रतिष्ठ रूप में ना, तो विशेष रूप से किसी स्थान में जाकर के फैल जाता है। इसलिए कि हम टिप्पणी का छह नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं विषय प्रवणम, मतलब विषय के प्रति प्रवणता ध्यान आ जाता है मन की, यानी शरीर का जल विक्षिप्त होता है मन, विक्षिप्तम विप्रसिप्तम समय मतलब वहाँ से मन को उठा लेना चाहिए, व्यावर कहे दिखा उसको मन को विपरीति कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो भग एवं पुनः पुनः अभ्यसत वो भाष्य में जो है ना, इस प्रकार से एक दिन में होने वाला नहीं है ये, है ना, असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलो, मन को तो निग्रह करना बहुत कठिन है परंतु तो हो सकता है अभ्यास है ना, तो कोई बात नहीं अभ्यास हमारे यहाँ के लिए। एवं पुनः पुनः अभ्यसत वहाँ पे देखिए जो एवं को बनवाते पुनः पुनः द्वितीय विवक्षित अर्थम आह, लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः मूल में है पुनः, ये पुनः शब्द का द्वितीय अर्थ क्या है उसको भगवान भाष्यकार कहना चाहते हैं, इसको बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं पुनः इति अत्र लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः, पुनः शब्द कहाँ पर आया हुआ है कालिका, और उस कारिका में पुनः शब्द का क्या अर्थ है वो भाष्यकार कहना चाहते हैं टीकाकार बोलते हैं पुनर्यदि अत्र विवक्षितम अर्थम अपुनर ने क्या विवक्षित अर्थ उसको भगवान भाष्यकार बोलते हैं एवं पुनः पुनः अभ्यास बार बार इस प्रकार से बार बार मन की स्वभाव है या तो सोएगा या भागेगा, इस प्रकार बार बार अभ्यास करते करते एक स्थिर स्थिति में तीसरा स्थिति में सकाशाय भाग में भी आएगा, जो अभ्यास करते 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 धीरे धीरे मन शांत और अधिष्ठान के साथ एक हो जाता है। मन के सबसे जैसे मन में दोष भी है कि विकसित होता है परंतु भगवान ने मन के बहुत अच्छा गुण दे करके भी भेजा, क्या गुण दिया भगवान ने मन को, भगवान जो है हाँ जिसको अच्छा लग जाए वहाँ पे मन चिपक जाए, ये मन के बहुत अच्छा गुण है, भगवान ने सोचा था संसार में सबसे अच्छा वस्तु तो मैं हूँ तो मेरी सब मन चिपकेगा, मतलब माया ने ऐसा कमाल रख दिया कि वो अच्छा को देखने नहीं देते अपनी अच्छाई को दिखाने लगते, अपनी अच्छाई को मनो ही बचे बच जाते हैं। यदि ये अभ्यास करने से यदि एक बार विवेक पूर्वक विचार पूर्वक हम ये निश्चय समझ जाते हैं कि अरे भगवान अथवा आत्मा ही एकमात्र संसार में नित्य वस्तु है, इसलिए नित्य आनंद इसी से ही प्राप्त हो सकता है। दोनों परिषद में बोला नास्ती अपने तकृति ना, किसी साधन के द्वारा नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही अध्रुवे प्रत्यय ध्रुव अनित्य साधन के द्वारा नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकता, उपनिषद अपने आप बोलती है। इसीलिए समस्त साधन छोड़ करके मन बस केवल अपने स्वरूप में बैठे रहे वही हमारा नित्य नित्य स्वरूप की स्थिति है, आनंदमय स्थिति है। इसलिए आप बोलते हैं पुनर्यति अत्र विवक्षित मतम एवं पुनः पुनर्भ्यस्त लयात संबोधितम, लय से जगाया विषय से व्यवर्तित और विषय से भी हटा लिया परंतु अभी भी वो साम्य भाव को प्राप्त नहीं किया है ना, सकसाय भाव में बैठा हुआ है ना भी साम्य महापद्रम अंतराल अवस्था सकसायम। वहाँ पे देखिए टीकाकार लिख रहे हैं उभयत व्यवर्तित मन उभयत मतलब लय से और विक्षेप से दोनों जगह से अपने मन को उठा लिया उभयत व्यवर्तित मन कही निर्विशेष ब्रह्म तब तक तो मन निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया, तो नहीं यहाँ के लिए सावधान
नहीं हम साधारण हैं। बोलते हैं उभयतः व्यावर्तित मनो परि निर्विशेषम ब्रह्म रूपतम कथम यदि आशंका ऐसा कुछ शंका करते हैं तो उसको उत्तर देते हैं नापि साम्यमापन्नम अभी भी साम्यमापन्न मतलब सभी के प्रति समान दृष्टि सभी के प्रति एक समान दृष्टि एक समान अंदर से एक समभाव में विद्यमान रहना ये जो है अभी भी वो नहीं आया उस अवस्था में क्या करना है तो बोलते हैं आगे कि नापि साम्यम आपन्नम तो एक अंतराल अवस्था है ना एक दिन दोनों के बीच की स्थिति है मैंने लय और विक्षेप और साम्यावस्था लय और विक्षेप को आप एक तरफ रख दिया और एक तरफ आपका साम्यावस्था है इन दोनों के बीच में एक स्थिति है और सकषाय अवस्था है सकषाय अवस्था को भी ठीक से समझना चाहिए इसलिए बोलते हैं अंतराल अवस्था मनस ये अंतराल अवस्था है मन का स्वरूप तृतीय पाद अवस्था में स्पष्ट है इस अवस्था में जो मन की स्थिति होता है उसको श्लोक की तृतीय पद क्या है सकषाय विजानीया ठीक है ना तृतीय पद के द्वारा गौरपादाचार्य में सावधान कर रहे हैं क्या है साम्य अवस्था में देखिए मतलब योग दर्शन में जैसे बोलते हैं आपने समाधि लगा करके बैठ गया वो एक साम्य अवस्था है परंतु जागृत में रह करके बुद्धि को जागृत रख करके हरि में समत्व भाव लाना ये अलग अब यदि आप इस समाधि को यदि आप प्राप्त करते हैं इस समाधि से उत्थान नहीं इस समाधि से उत्थान नहीं क्योंकि जो आँख नाक कान बंद करके जो समाधि लगाते हैं उससे उत्थान होना स्वाभाविक है और आँख नाक कान समस्त इंद्रियों को जागरूक रख करके विचार पूर्वक इसके व्यापार बंद हो जाए वो समाधि सहज विचार पूर्वक इसके व्यापार बंद हो जाए इसलिए होता है राजस्व बीजोत्तम तो ऐसा अंतराल अवस्था मनस स्वरूप तृतीय पद अवस्था मेन स्पष्ट है तृतीय पद का अवलंबन करके उसका स्पष्ट करते सकषाय स रागम बीज संयुक्तम ठीक है ना और क्या है कि राग का बीज रहेगा मैं कल भी बताया था श्लोक को विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज प्रसव्यस्य परम दुष्टा निवर्तन्ते उस विषय में ये रस है ये अच्छा ये जो है परमात्मा के दर्शन के बाद ही पूर्ण रूप से निकाल तब तक रहेगा ये जो है बीज संयुक्त राग बीज संयुक्त मन इति बीजानिया इसको समझना चाहिए टीका लिख रहे ये राग क्या वस्तु है वहाँ पे क्या है शब्द क्या है स रागम बीज संयुक्तम ठीक है ना अब एक उसको अर्थ रागस्य बीजोत्तम राग का मतलब ये शांति अच्छा है अथवा इसका स्वाद ऐसा है अथवा बुरा है इसमें ये कमी है ये जो है राग और बीज उसका बीज ऊपर व्यवहार नहीं कर रहे अंदर वो भाव है उसका बीज है इसी तरह बोलते हैं कि रागस्य बीजोत्तम ये अपने आप ही समझा जा सकता है वो बोल कर रहेगा राग का जो बीज है राग आपके साथ देश को भी ग्रहण कर लेना उसका जो बीज है मतलब कि एक वस्तु में ये अच्छा ही है अथवा इस वस्तु में ये कमी है अब व्यवहार नहीं कर रहे उसको इसको बोलने मन से उठावा भी लगने संभव नहीं इसलिए ये वस्तु वो वस्तु ये व्यक्ति मन में रहेंगे तब ये वो हट जाएगा उसके लिए उतना संभव अवस्था ये सकषाय साम्य अवस्था में ये भिन्नता है व्यवहार छोड़ दिया खुशी के साथ परंतु अंदर से एक वस्तु में देखिए ये ठीक है अथवा ठीक है ये जो अंदर जो व्यक्ति है ना ये व्यक्ति अभी बंद नहीं हुई इस व्यक्ति बंद होकर कि ये वस्तु वो वस्तु दिखाई दे मतलब भेद दिखाई कर रहा एक आत्मवस्ती पूर्ण उससे भेद में कुछ नहीं है ना इसकी साम्य अवस्था है इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं रागस्य बीजोत्तम पराजिन विषय प्रवृत्ति प्रति प्रतिपत्तव्यम कि जो पहले जो विषय के प्रति हमारी आसक्ति जो संस्कार था उसी के कारण ही होता है ऐसा समझना चाहिए रागस्य बीजोत्तम देखिए मतलब इंटेंशनली प्रतिपत्तव्य मतलब इस प्रकार से समझना चाहिए मतलब ये सकषाय भाव है कि साम्याभाव है सकषाय भाव में आया अथवा समभाव में आया इसको ठीक से समझना चाहिए इसको ठीक समझना चाहिए तो मन में उठ करके वो ये वृत्ति उठ करके इस पर अच्छा ये हो ये विचार आ रहा है अपने अरे कुछ भी हो सभी तो भगवान कर अपने आप में मन में एक ये अथवा वो वृत्ति चला जाता है ये हो गया है ऐसे समझना चाहिए अच्छा भाई यथक्तम मनम ज्ञात्वा किम कर्तव्यम अब यह मन इस प्रकार से अच्छा मन को जानेगा कौन थी यानी देखिए इस प्रकार मन को जान करके जानेगा कौन मनोवृत्ति का प्रकाशक कौन है साक्षी
मन में बुद्धि में जो भी कुछ वृद्धि होता है, बुद्धि के द्वारा मन के ऊपर दृष्टि रखना और ठीक से दृष्टि रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, उसका प्रकाश होगा साक्षी, है ना। देखो कठोपनिषद में बताइए चीज को, कठोपनिषद में कि यस्तु विज्ञानवान भवति स्वमनस्क सदा शुचि स्वधन पार मनोति तद विष्णु। बुद्धि को क्या बोला था, बुद्धि तो सारथ्यम वेति मनोप्रज्ञामेव इन्द्रियाणि मयानि आहुर्विषयांश्चेति गोचरः। तो सारथी रथी तो आत्मा है, जीवात्मा है, रथी है शरीर, रथ है सारथी बुद्धि है और मन प्रज्ञा। ये सारथी मतलब जो चालक है वो यदि मन रूपी लगाम को कस के ठीक से पकड़ के रख पाता है तब घोड़ा इधर उधर नहीं जाएंगे, इंद्रिय भी घोड़ा इधर उधर नहीं जा पाएंगे, है ना। इसलिए मन को ऊपर दृष्टि रखने से रखते रखते क्या होता है, मतलब सारथी अपनी लगाम को कस के पकड़ के रखा, फल क्या होता है तब जीवात्मा को अपने लक्ष्य पर पहुँचा देते हैं। और सारथी यदि मान लीजिए ढीला छोड़ते हैं, पांच घोड़ा अलग अलग दिशा में जाना चाहता है, कोई बोलता है मैं शब्दों को सुनूंगा, कोई कहता है मैं स्वाद कर लूंगा, कोई बोलता है भ्रांत कर लूंगा, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, अकेला रथी का क्या दशा होगा, रथ आप एक है उसमें उसका क्या रथ को दिया था लक्षण नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि प्राग्ञम प्राचीन विषय प्रभुत्पति तथा मन ज्ञानता, इस प्रकार के मन को जान करके, है ना, कौन जान रहा है, बुद्धि साक्षी के प्रकाश के साथ किम कर्तव्य, आप क्या करना चाहिए, किसी अपेक्षायाम आप इस प्रकार जितना शोध वर्णन कर तब कहते हैं तत्व अपनी यत्न तो साम्यम आपादन, मतलब सपसाय भाव में यदि मन चला गया वहाँ से भी मन को प्रयास पूर्वक हटा करके साम्य भाव में लाओ। उस समय क्या होता है, अरे ये वो बुद्धि छोड़ो ना मन, ये वो बुद्धि छोड़ो, बस मैं बुद्धि ना, मैं बुद्धि ना, है ना। जो हमारा न तो विधि गुप्त जिसको सर्वाणी भूतान आत्मनि मन सर्वान न तो न विधि गुप्त सुगुण शब्द में वहाँ पे भगवान भाषण का लिखते हैं, अपने से भिन्न और दुष्ट वस्तु को देख करके हमें उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, और क्योंकि अपना ही है, चाहे पाए पर कितना भी खाओ बोल रहे, डॉक्टर बोलते हैं क्या किसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति सोचता है अपना पैर है, जब तक देखता हूँ क्या होना चाहिए, वो अपना तो बुद्धि आता है तो वहाँ पे मतलब भेद बुद्धि निकल जाता है मैं ही। इसी प्रकार से संसार में मन जो ये वो बुद्धि करते हैं ना, ये वो बुद्धि को हटा करके सब एक मन मैं बुद्धि लाऊँ, अथवा एक ईश्वर बुद्धि लाऊँ, बस तब क्या हो जाएगा वो सकाशय भाव चला जाएगा और समभाव को प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें बोलते हैं ततो अपि यत्न तो साम्यम आपादयति, उन्हें से भी प्रयास करके समता के भाव को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ बोलते आदर्श प्रति जतक तम मन ज्ञानता किम कर्तव्य में कि अपेक्षाया ततो अपि यत्न, देखिए यहाँ पे एक शब्द एडिशन भाषण जोड़ा करेगा कि यहाँ पे अपना प्रयास कर, बहुत ही प्रयास है यत्नतः, यत्नतः बहुत ही प्रयास चाहिए साम्यम आपादयति। ततो अपि यहाँ पे अंतराल अवस्था पंचम्य परामृश, यहाँ पे पंचमी कहाँ पे है, पंचमी के द्वारा अंतराल अवस्था को परामर्श किया जाता है, पंचमी को कहाँ दिखाई दे रहा है, ततः तत्पक्ष तस्वीर वाला ततः, उससे उससे मतलब किससे, वो जो अंतराल अवस्था, अंतराल अवस्था मतलब साम्य अवस्था और विक्षेपवर्गीय अवस्था के बीच की अवस्था, एक तरफ साम्यावस्था एक तरफ विक्षेप अंतराल अवस्था पंचम्य मतलब ततः पद के द्वारा परामर्श किया जाता है। लय अवस्था आदि दृष्टान्त हेतु अपिशब्द ततो अपि, वहां पर जो अपि क्यों दिया, इस प्रकार लय से भी मन को हटाना चाहिए और विक्षेप से भी हटाना चाहिए, इस प्रकार सकसाय से भी ततो अपि, ठीक है ना। इसलिए अगर बोलते हैं कि अपनी लय अवस्था आदि दृष्टान्त, तो लय और विक्षेप की अवस्थाओं को दृष्टांत रूप में दिखाने के लिए यहाँ पे अपि शब्द दिया गया, जैसे वहाँ से आपने मन को हटाया इस प्रकार यहाँ से भी मन को उठाओ, इसलिए अपि शब्द दिया हो, इस शब्द आपसे भी मन को उठाओ। यत्नतः अब क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो व्रत क्या है संप्रज्ञा तो समाधि दी जाए, मतलब मन को जो है स्थूल विषय का मैं क्या बोला था कि पहले बाहरी विषय की किसी एक वस्तु को अवलंबन लेकर के मन को स्थिर करने का अभ्यास करें, फिर उस स्थूल वस्तु को छोड़कर के सूक्ष्म वस्तु को अवलंबन लेकर के अभ्यास करें,
कि वो जो मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है उसके आनंद की अनुभूति होता है, फिर आनंद में मन को रखने का कोशिश करें, फिर इन आनंद का दृष्टा मैं हूँ दृष्टा में मन को लाइए। इस प्रकार से धीरे धीरे स्थूल वस्तु को छोड़ करके दृष्टा के ऊपर जो हमारा दृष्टि आती है, जब तक इस समय विषय रूप में आएगा, इस संप्रज्ञात समाधि है, फिर असंप्रज्ञात समाधि विषय रूप में नहीं लग जाते, किंतु उसका आनंद को अपन भंग करते हैं। इसके माध्यम से प्रयास है, करते करते क्या हो जाएगा, एक सम अवस्था में आ जाएगा। इसलिए आपने बोला अंतर्गत समाधि प्रयास पूर्वक प्रयास से संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से साम्यम असंप्रज्ञात समाधि क्या बोलता है कि ततो अपि जगन्नत साम्यम आपादये, है ना, ये जो लय विक्षेप में जैसा है इसी प्रकार सकाशाय भाव से भी प्रयास पूर्वक साम्य भाव में मन को लाइए, साम्य भाव में मन को लाइए। तो कैसे लाएंगे आप, संप्रज्ञात समाधि से, फिर असंप्रज्ञात समाधि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष असंप्रज्ञात समाधि, अतः एक उसको एक विषय को मैं चिंतन कर रहा हूँ उसको छोड़ करके उसके संस्कार के ऊपर ध्यान दें, परंतु इसका भी आनंद और अधिक है, बस इस आनंद भी आपके सामने विषय रूप में आएगा, ये आनंद भी हमारे सामने विषय में आनंद का अनुभव कर रहा होता है स्वाभाविक। आप जब जितना धीरे धीरे स्थूल वस्तु को छोड़ करके सूक्ष्म वस्तु को और मन इकट्ठा होने लगते हैं तो उसके फलस्वरूप मन आनंद का अनुभव करता है, परंतु यहाँ पर मैंने ग्रंथ कर आगे बोले कि इस प्रकार की विषयात्मक से ठीक है, विषय नहीं है, परंतु विषय के मतलब लेश के रूप में जो आनंद है इससे मन को उठा संपूर्ण निरोध अवस्था चतुर्थ पाद से अर्थ मान समम प्राप्य नाचारे, ठीक है ना, चतुर्थ पाद के अर्थ में यहाँ पे कहते हैं जगा तो हसम सम प्राप्त भवती है, समभाव को प्राप्त कर लेते हैं, समभाव मतलब एक रस एक वो भेद नहीं है, अभी अभिमुखी हो रहा है, अभी तो नहीं हुआ उसमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, अभिमुखी हो जाए सदा समप्राप्ति अभिमुखी भवती अर्थ उसको समझाना है। देखिए समाधि द्वय द्वारे न समिशिषम परिपूर्ण ब्रह्म रूपम प्राप्ति, देखिए हम योग दर्शन के द्वारा नहीं जा रहे हैं, अब सम प्राप्त का क्या होता है तो निर्विशेष पूर्ण भाव में जाएंगे, अब पहले क्या होता है सब ये वो ये सविशेषता है, अब निर्विशेष पूर्ण भाव में आ जाएंगे। समाधि द्वय द्वारे न दोनों प्रकार के समाधि के माध्यम से सम मतलब निर्विशेषम, ठीक है ना, समता मतलब ये नहीं कि वो और ये एक ही है, ये नहीं बोला जा रहा है, सारा विशेषता जिसके कारण भेद दिखता है वो उतरा रह जाए निर्विशेषण, फिर क्या रह जाएगा तब परिपूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण तत्व विद्यमान है परिपूर्ण ब्रह्म रूपम, परिपूर्ण क्या हो जाएगा कुछ व्यापकता की भाव, पूर्ण मतलब कुछ व्यापकता की निर्विशेष व्यापकता की भाव, निर्विशेष क्या कहना ये मतलब असंग व्यापकता की जो भाव है, असंग व्यापकता की पूर्णता के जो भाव है उस भाव को जब मन प्राप्त करते हैं मन प्राप्त प्राप्य जब मन तब मात्रतया बस अब उस व्यापक भाव के साथ एक हो जाता है, मन मन के अधिष्ठान के साथ एक हो जाता है, परिच्छिन्न वृत्ति नहीं होता समाप्त जे, यदि वहाँ पर मन उसी भाव को प्राप्त कर लिया अप्राप्त प्रतिषेध तत्व के लिए समम प्राप्त नाचा गए इस प्रकार जो उस भाव को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको विचलन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार प्रतिषेध क्यों कर रहे ग्रंथ का ऐसा आशंका करने बोलते हैं नहीं अभी तक समभाव को प्राप्त नहीं किया, समभाव प्राप्त की अभिमुखी समभाव प्राप्त करने के बाद कुछ नहीं हुआ, परंतु उसके अभिमुखी के समय क्या होता है विमुखी भी हो सकता है, इसलिए उस समय तेरा सावधानी के साथ समाधि समनिर्विशेषम परिपूर्ण ब्रह्म रूपम प्राप्य मन तन मात्रतया सात नंबर टिप्पणी समाप्त चेत सात नंबर मतलब निरुद्ध निरुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, है ना, पर एक अमनस्कता आ जाती है ना गाय स्थिति में आ जाती है, भेद नहीं दिखाई दे रहा है, विशेषता नहीं दिखाई दे रहा, भिन्नता नहीं दिखाई दे रही, पूर्णता के बाद में विद्यमान होते हैं, तो अप्राप्त किसका अप्राप्त प्रतिषेध मतलब आप तो समाधि के साथ एक हो गया,
इसलिए तो आप बोलते सामर्थ प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप उसको मत करो। तो बोलते हैं यदि उसी भाव को प्राप्त तो कर गया होता तब तो आप हमको उसका निषेध करना आपका विरोध होता, परंतु आप उस भाव को प्राप्त करने का अभिमुखी हो रहा है, इसलिए जो है वहाँ पे यदि मन वहाँ पे उस अवस्था में मन को थोड़ा विक्षेप को जाने की संभावना है तो उसको फिर दोबारा चालित मत करे। संगम प्राप्त मतलब संगम प्राप्ति अभिमुख हम भगत ततः तन न विचार ले, वहाँ से फिर उसको विचलित मत करे। मन यदि समभाव को लेकर के मान लीजिए आप जो भी कुछ बैठा हुआ है सभी के साथ बात करते करते हमें लगता है ये सब एक उनकी है सब भगवत है। अचानक कोई एक मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने नहीं देखा कभी नहीं देखा, अब वहाँ पर देखने में भी आपको अनुकूल नहीं लग रहा है, तुरंत तो मन क्या करता है ये कहाँ से होता पता नहीं होता। इस अवस्था में एक अभिमुखी हो रहा है कि इस चिंता को मन में मत आने दो, ये भी वही है। चला चला विषय विषय को आप अपने में घटा करके देखिए अभिमुखी हो रहा है उधर जाए, हम सब ने एक ही चीज को पर अचानक कोई व्यक्ति यहाँ पे आ गया तो फिर हम चिंता एक ही साथ तुरंत मन को रोकना है, अरे नहीं जो आया आया, यही भगवान की इच्छा है, दूसरी बात है एक ही ये भी तो आत्मा ही है, इसलिए आप रोकते हैं कि समम प्राप्त चेत अप्राप्त प्रतिशत आशंका समम प्राप्ति अभिमुखी भगवती दिया तभी अभिमुखी हो रहा है इस समय से फिर विमुख होने मत दो। ततः देखा निर्विशेष वस्तु प्राप्ति अभिमुखा अनंतर विद्यत ततः तब न विचारे वहाँ पे ततः तब न विचारे इन्हें में ततः पद आया हुआ है उसका अर्थ करते हैं देखा का निर्विशेष वस्तु प्राप्ति अभिमुख्या है ना, निर्विशेष वस्तु की प्राप्ति की अभिमुखी होकर के जो मन बैठा हुआ है इस मन को वहाँ से हटाए नहीं, इस मन को वहाँ से हटा तो निर्विशेष वस्तु प्राप्ति अभिमुख्या निर्विशेष वस्तु प्राप्ति के लिए जो हमें कुछ उतमुख तन्मय होकर के जो बैठा हुआ है मन तत् अनंतर उसके बाद मन को वहाँ से न हटाए उससे न हटाए किंतत मनस चारणम जब प्रतिषिध थे वो मन फिर वहाँ पे मन कहाँ जा सकता है जिसको हम निषेध कर रहे अरे मन मानता है संस्कार वे विषय को बोलने लगते हैं, इसलिए बोलते हैं कि किंतत मनस चारणम कौन वस्तु है जो मन को फिर विचलित कर सकते हैं जब प्रतिषिध थे जिसको आप यहाँ पे निषेध कर रहे हो तत्र उसके उत्तर में क्या होता है विषय अभिमुखम ना कोरिया मन को भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उन्ना लेते शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ना लेते हैं। अब जो है यहाँ पे एक और बहुत अच्छा सावधान दे रहे हैं कि वो संप्रज्ञा तो समाधि और असंप्रज्ञा तो समाधि उस समाधि का भी आनंद है, पर वो समाधि विषय तो उसमें जो आनंद का अनुभूति होता है वो विषयात्मक आनंद है और उस समाधि से उत्थान है, उस समाधि से उत्थान है, उस समाधि से भी सावधानी से अपने को अलग कर देना चाहिए। उसको लेकर के अगला श्लोक लेके बोलते हैं समाधि टीका का समाधि सायाम जब सुखम उत्पद्यते तद विषय अभिलाषादपि मनोनिरोधव्य इति आह। ये कितना अनुभव करते स्पष्ट हो समाधि सायाम दो नंबर टिप्पणी में मतलब समाधि की इच्छा अगर समाधि इच्छा प्रतिपद क्या है समाधि इच्छा समाधि लगाने की इच्छा और उसका शब्द में एक बच्चा क्यों समाधि लगाने की इच्छा आनंद आ रहा है विषयात्मक आनंद है समाधि इच्छा संभव उसने मन को अब समाधि लगा के मतलब समाधि छाया मतलब समाधि संपर्क तो समाधि को जो संपर्क कर ले सात दोनों पर टिप्पणी देखो समाधि 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 धीरे कुछ देर तक आप एक एक विषय को रख सकते हैं और आनंद मिल जाए इस अवस्था में से आपको बोलते हैं जब सुख उत्पद्यते वहाँ पे जो सुख की उत्पत्ति होती है समाधि की अभ्यास करते करते मन को एकाग्र करने की अभ्यास से जो आप एकाग्रता के फलस्वरूप जो मन के आनंद का अनुभूति होती है उस सुख से भी वो तो विशेष हो गए तो विषय अभिलाषा का भी उस प्रकार के जो विषय संबंधित सुख आप वहाँ पे विषय सुख नहीं है परंतु समाधि की सुख जो विषय रूप में आ रहे हैं आपके सामने
समाधि के स्वरूप माने का जो विषय को समझ में आ रहा है तद विषय अभिलाषा रवि उस प्रकार की इच्छा से भी मनो निरोधव्यम मन को रोकना चाहिए, क्योंकि मन को समझाना है देखो इस समाधि में जो तुमको आनंद मिल रहा है होता है ऐसा लोग दर्शन नहीं बोला कि प्रकृति में मन को प्रकृति में लय करने पर अशरीर अवस्था में लय करने पर आप वहाँ पे लंबा समय तक सुषुप्ति जैसे पड़ा रहे हैं ये सुषुप्ति में आनंद लगते हैं उठ के बाद बोलते हैं यहाँ तक आनंद हो परंतु लोग दर्शन बोलते हैं भगवत प्रत्यय और विधियों प्रकृति लया ना अभी तक आपने पुरुष को अलग नहीं कर पाया दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो कोई चीज बोल रहे हैं मन को इस समय समझाना है कि इस प्रकार की समाधि किसी आनंद मिल रहा है इससे भी बहुत तुम हट जाओ मन इसके पीछे एक और समाधि है जिसमें गुत्थान नहीं होगा जिसमें गुत्थान नहीं होगा उसको सावधान करने के लिए समाधि छाया जब सुखम उत्पत्ति तद विषय अभिलाषा जब उस विषय की अभिलाषा से भी मनोनिरोधव्य मन को रोक देना चाहिए इति आदर उस मन में रखते ग्रंथ कर अगला श्लोक को बोलते हैं न स्वादयेत् सुखं तत्र न स्वादयेत् सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चलचित्त निश्चलं निश्चलचित्त नेकी कुर्यात् प्रयत्नतः नेकी कुर्यात् प्रयत्नतः नास्वादये सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चलचित्त नेकी कुर्यात् प्रयत्नतः जो समाधि लगाने की इच्छा ये भी आत्मज्ञान को प्रबंधन करता है या तो फिर वेदांत कहाँ पहुँचा है अब योग दर्शन कहाँ पे शुरू होता है अद्वैत की चित्तवृत्ति निरोध है योग चित्तवृत्ति निरोध जहाँ पे चित्तवृत्ति निरोध शुरू होता है वहाँ पे वेदांतिक प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ से भी उठ जाना हट जाना है वहाँ से भी हट जाना है इसलिए बोलते हैं न आश्वादये सुखम तत्र तत्र मतलब उस समाधि अवस्था में जो सुख प्राप्त होते हैं उस सुख का भी समझने के बाद उससे भी अपने को अलग कर उसका उस स्वाद के आस्वादन रोज न रोज ना करें जैसे कोई अच्छा वस्तु आपको खाने को मिल गया कल भी मिल गया तो अच्छा होगा ऐसे ही ये समाधि सुख है ये भी ऐसे ही है मन को एक अच्छा अविष्ट वस्तु मिला तो लगेगा कि अरे इसी में जो लगाने का तो अच्छा होगा तो इससे भी मन को हटा लेना चाहिए न तत्र सुखम न आश्चर्य समाधि अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है उसको भी स्वाद देने का इच्छा ना करे लंबा समय तक मन क्या करना पड़ेगा निस्संग प्रज्ञा भवेत् विचार पूर्वक उससे भी अपने को अलग समझे प्रज्ञा प्रज्ञा के द्वारा अलग प्रज्ञा मतलब कि ये भी द्वारे इस समाधि से भी तो उत्थान हो जाएगा अब शास्त्र बोलता है उस समाधि से उत्थान नहीं है वो क्या अवस्था तो वहाँ से भी मन हटाएंगे तो बस अब जो अनुभूति होगी वो अनुभूति जो है आपको वहाँ से उठना नहीं है निस्संग प्रज्ञा भवेत् निस्संग रहित प्रज्ञा के द्वारा उस समाधि सुख से भी देखिए कहाँ से उठाया लय विक्षेप सकसाय इससे उठाने के बाद मन को एक जगह और भी रखने का संभावना है क्या वो समाधि सुख ले जाना तो उससे भी मन को उठा क्योंकि वो समाधि सुख भी आपका विषयात्मक होने के कारण परिच्छिन्न सुख होगा परिच्छिन्न सुख होगा मतलब वहाँ से भी भुगतान हो जाएगा तो इसीलिए बोलते हैं न आश्चर्य सुखम तत्र निश्चित उससे भी अपने को अलग कर प्रज्ञा विचार के द्वारा भवित होना चाहिए तब क्या हो जाएगा निश्चलम है ना फिर वहाँ से आपका मन विचल देगा निश्चल मतलब कुछ विचरण नहीं होगा चित्तम ये चित्त भी दो विषय दिया निश्चलम और निश्चल और किसी कारण से निश्चल हो जाने के कारण भी बाहर नहीं भागता एक ही कुरिया प्रयास पूर्वक उसको एक अपने स्वरूप में स्थिर कर है ना जब संप्रज्ञ समाधि इसके माध्यम से मन जब अब विक्षिप्त नहीं होता अब उस समाधि सुख से भी हटा करके वो एक्चुअली अपने आप ही हो जाता है क्योंकि आप अपने विषय को चिंतन नहीं करते लोक दर्शन में तो आपको व्यूभाग्य में नाशिका का प्रभाव में सूर्य में चंद्र में तारका में तुम्हत्व उपासना के माध्यम से यहाँ पे तो केवल आप शुरू से आत्म विषय के चिंतन कर रहे हैं तो फल क्या होता है अपने आप ही घुसा हो जाता है
विषयात्मक से फिर आप शरीर को स्थिर हो जाते हैं। नाशादय सुखम तत्र निस्संग प्रज्ञा भवे अनिश्चल निश्चल चित्तम चेत। इस प्रकार की चित्त को मतलब निश्चित है, एक ही कोरिया है ना, वहाँ पे एक भाव बिना एक ही कोरिया प्रयास पूर्व एक भाव मतलब विक्षेप लय नहीं, विक्षेप नहीं, सकसाय नहीं, समाधि भी नहीं, एक समाधि मतलब विषयात्मक संकट को भी नहीं, लय नहीं, विक्षेप नहीं, सकसाय नहीं, ना समाधि की आत्मा नहीं। इन चार स्थिति को पार करके तब जाकर के जिस स्थिति में पहुंचेंगे बस स्वप्न का उस समाधि से उत्थान नहीं। समय हो गया है, उसको रखते हैं, कल पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा की परसों पूर्णिमा है, पूछा था कल तो हुए कल कल ही पूर्णिमा, कल पूर्णिमा परसों प्रतिपल हमने देखा था कि हमने कल पूछा था बोला कि कल ही पूर्णिमा है, छुट्टी कोई बात नहीं, छुट्टी दोनों दिन छुट्टी और छुट्टी तो प्रज्ञा वैशाख मेध सुहित जल निधे वेदनामंतरस्थं भूतान्यालोकमग्नान्यगति जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुत्तधारां मम रहि दुर्लभं भूतहेतो यः सम्पूज्यामि पूज्यं परमं गुरुं पादपादे नतोऽस्मि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वा